नवरात्रों को देखते हुए जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के निर्देशानुसार यात्रा को बढ़ाया गया है, 7,000 किया गया है, इसमें अब 7,000 ओपन रखा गया जिसमें इनसाइडर या आउटसाइडर J&K का नहीं रखा गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। बाकी सुविधा का कहेंगे तो यहाँ पर पूर्ण तरीके से आपके ट्रैक पे भवन में सैनिटाइजिंग का विशेष प्रबंध किए गए हैं, सब कुछ किया गया है और माता के दरबार को जो हर साल सजाया जाता है उसको फूलों से पूर्णतया सजाया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ पर माता का सत्चंडी यज्ञ किया जाएगा। उसके अलावा जो पिछले शारदीय नवरात्र में जिस तरीके से बाहर से जो रिनाउंड भजन गायक लाए गए थे जो माता के यहाँ आरती के समय प्रस्तुति देते हैं, तो वो भी इस बार व्यवस्था रखी गई है जिससे कि भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो माता के दरबार में आए तो उनको सुविधा मिले और माता के दर्शन हो, अच्छी सुविधा मिले, और यही जो है जितना भी है वो लाइव भी दिया। सर्विसेज में देखें कि हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, ये पहले से सर्विसेज स्टार्ट थी, बट अभी जो है आज से जो पोनी वाला, पिट्ठू वाला, पालकी सर्विसेज भी पूर्णतः SOP को फॉलो करते हुए, पूर्णतः सैनिटाइजेशन को देखते हुए लागू करते हैं।